बात है कि एक महिला के साथ और एक जूनियर डॉक्टर के जो थी उसके साथ बुरी तरीके से जो है सेक्सुअल असॉल्ट किया गया और फिर उसका मर्डर किया गया। और ऐसे इससे पहले भी कई वाक्या जो हैं वो आप देख चुके हैं, निर्भया का भी एक मामला जो है जो सामने आया था। लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसी चीज़ों को जो है दबाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि कोलकाता में इस रेप को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने पर जो है कि ये मामला जो है खुल के सामने आ सका है। इस मामले पे जो है खुल के सुनवाई की जा रही है। और ऐसा जो ये जो वाकया इस जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ है, ये कल हमारे समाज में किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ ये जो है ये हादसा हो सकता है। और ऐसे कई हादसे होते भी हैं जिनको महिलाएं छुपाती हैं और जो है किसी को बताती नहीं है। मैं अपनी महिलाओं को, अपने समाज की बेटियों को जो है ये कहना चाहूँगी कि ऐसी जो अगर सेक्सुअल आपके साथ कोई हरासमेंट या ऐसे कोई केसेस होते हैं, इनको पहले अपने माँ बाप के साथ शेयर करें या हमारी सिविल सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं उनके साथ ये बातें शेयर करके आप इन मामलों को खुल के सामने लाएँ, ताकि वो जो दरिंदे हैं उनको जो है फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जा सके। और ऐसी चीज़ों पे कतई पर्दा नहीं डालना चाहिए हमारे समाज की तरफ से और हमारी सिविल सोसाइटी की तरफ। और मुझे इस चीज़ का दुख है कि आज के इस जो ये जो रखा गया था, ये प्रोटेस्ट रखा गया था, इसमें हमारी सिविल सोसाइटी के जो सीनियर, जो अपने आप को सीनियर लोग समझते हैं, उनको इसमें शामिल होना चाहिए था। जो कहते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं और हमने ठेका लेके रखा है समाज का, खाली जाके सीनियर अफसर्स के साथ फ़ोटो खिंचवाने से और उनको गुलदस्ते देने से नहीं, समाज की बेटियों के हक की बात करनी चाहिए उनको। और उन लोगों को आज यहाँ एक हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, उन ठेकेदारों को जो हमारे सिविल सोसाइटी के ठेकेदार बने हुए हैं उनको इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए था। अगर नीतू जी ने अब एक कॉल दी और हम यहाँ पे पहुँचे, और मैं मुबारकबाद देती हूँ नीतू जी को जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है समाज में,
एक कॉल पे उनकी पे हम सारे यहाँ पहुँचे हैं, और उन लोगों को भी पहुँचना चाहिए था जो हमेशा कहते हैं हम बेटियों के लिए ये करते हैं वो करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, और लेकिन वो खोखले दावे हैं उनके। सच तो ये है कि वो उनको जो है महिलाओं के आगे आने से और महिलाओं के बाकी क्या औरतें और क्या मर्द जो हैं सिविल सोसाइटी के, सिर्फ जब सिविल सोसाइटी की मीटिंग होती है और ये डाक बंगले में जाके अपनी कुर्सियां और टेबल ढूंढते हैं और अपने अपनी सीटें कुर्सियां मल रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने मीटिंग करनी है डिप्टी कमिश्नर के साथ, या कोई DIG आ रहा होता है या कोई SSP आ रहा होता है। आज उन लोगों को यहाँ पे शामिल होकर अपनी उस प्रेजेंस का दिखाना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है मेरे भाइयों, क्योंकि मैं सच कहती हूँ और सच सबको कड़वा लगता है और लगता रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों को आज एक कॉल पे नीतू जी हमारी सीनियर एक्टिविस्ट है यहाँ की और एक रिस्पेक्टेड महिलाएं हैं, उन्होंने एक कॉल दी थी तो उन लोगों को यहाँ पे पहुँचना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बच्चे को इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो ये हादसा कलकत्ता में पेश आया, ऐसे हादसे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की कई महिलाओं के साथ